नमस्कार, मेरा नाम है कांशा चौहान और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज नेशन। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, साथ ही देश और विदेश की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राज्यसभा में हुए हंगामे पर सरकार का रुख सख्त है। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कल ही कहा था कि जांच के बाद उचित कार्रवाई होनी चाहिए। अब इस मामले में जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसके मुताबिक जैसे ही संशोधन बिल पेश किया गया, विपक्ष के सांसद सदन के वेल में आ गए हैं और सदन की कार्यवाही में बाधा डालने लगे। इससे पहले सदन की कार्रवाई सामान्य तरीके से चल रही थी। हंगामे को लेकर जो रिपोर्ट तैयार की गई उसमें कहा गया है कि हंगामा कर रहे सदस्यों ने टेबल पर चढ़ने की कोशिश की और पेपर फाड़े। हंगामा बढ़ा तो सुरक्षा अधिकारियों ने अपनी जगह पर तैनात होकर आगे किसी भी नुकसान को रोकने की कोशिश की, तो सांसदों ने कागज फाड़े और सभापति की तरफ फेंकने लगे। सुरक्षा को देखते हुए अतिरिक्त सिक्योरिटी बुलाई गई। सुरक्षा घेरा तोड़ने पर विफल रहने के बाद विपक्ष के सांसदों ने मार्शल के साथ धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एक महिला मार्शल को एक सांसद ने बुरी तरह से घसीटा, जिसके बाद महिला मार्शल को कई चोटें आई। एक सांसद ने तो सुरक्षा घेरा तोड़ने के चक्कर में एक मेल मार्शल के गले को पकड़ लिया, जिससे मार्शल का दम घुटने लगा। इस दौरान किसी भी मार्शल ने किसी भी सांसद के साथ बदसलूकी नहीं की। 6:04 पर डोला सेन और शांता छेत्री हाउस के वेल में पहुंच गए। 6:08 पर फूलो देवी नीतम द्वारा कागज फाड़े गए और एसजी की तरफ हाउस की चेयर पर फेंके गए। 8:09 पर छाया वर्मा भी कागज फाड़े। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बृहस्पतिवार को हाल में संपन्न हुए संसद के मॉनसून सत्र में कुछ सांसदों के व्यवहार पर चिंता जताई और कहा कि ऐसी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। मॉनसून सत्र की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के एक दिन बाद बिरला ने नायडू से मुलाकात की और दोनों ने सत्र के दौरान संसद में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम की समीक्षा की। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने ट्वीट किया कि दोनों ने कुछ सांसदों के कामकाज में बाधा डालने वाले बर्ताव पर गहन चिंता प्रकट की। इसमें कहा गया, उनका पुरजोर मानना है कि ऐसे अशांतिपूर्ण व्यवहार को सहा नहीं जाना चाहिए और उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। नायडू ने सदन में अप्रिय स्थिति बनने पर बुधवार को रूंधे गले से विपक्ष के कुछ सदस्यों के व्यवहार की तुलना लोकतंत्र के मंदिर को अपवित्र किए जाने से की थी। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल और मुख्तार अब्बास नकवी ने यहां नायडू से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। उन्होंने कुछ सदस्यों के खराब व्यवहार के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।